हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम सीएनसी मशीन का एक्सीडेंट होने पे टॉरेट को कैसे चेक करते हैं, टॉरेट का एक्स का और जेड का अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं वो दिखाने जा रहे हैं। वर्किंग के लिए हमारा टॉरेट ओके है या नहीं है, एक्सीडेंट होने के बाद हम कैसे कन्फर्म होंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएँगे। ये देखिए हमारे सीएनसी मशीन का टॉरेट है ये। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। टॉरेट हमारा ओके है या नॉट ओके है, उसके लिए सबसे पहले आप टॉरेट को इंडेक्स कर लें। इंडेक्स करने के लिए सबसे पहले जॉग मोड सेलेक्ट करें। ये देखिए हमने मोड सिलेक्शन में जॉग मोड सेलेक्ट किया है। जॉग मोड सेलेक्ट करने के बाद टॉरेट इंडेक्स क्लॉकवाइज, टॉरेट इंडेक्स एंटी क्लॉकवाइज, दो बटने रहती हैं। सबसे पहले ये हमारी बॉटली वाई की मशीन है, यहाँ पे हम सबसे पहले टॉरेट क्लॉकवाइज इंडेक्स करके दिखाएंगे। ये हमारी टॉरेट क्लॉकवाइज इंडेक्स बटन है। जैसे ही आप टॉरेट क्लॉकवाइज पुश बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही आपका टॉरेट इंडेक्स होगा। ये देखिए हम इंडेक्स करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। अगर आपका टॉरेट प्रॉपर इंडेक्स हो रहा है तो टॉरेट के अंदर जो फिजिकली डैमेज होते हैं वो डैमेज नहीं है, इसलिए प्रॉपर आपका इंडेक्स हो रहा है। ये देखिए अभी हम काउंटर क्लॉकवाइज भी इंडेक्स करके दिखा रहे हैं। अगर दोनों डायरेक्शन में आपका टॉरेट प्रॉपर इंडेक्स हो रहा है तो टॉरेट हमारा प्रॉपर ओके है। उसके बाद हम टॉरेट का एक्स और जेड का अलाइनमेंट चेक करेंगे। अगर आपका टॉरेट प्रॉपर इंडेक्स हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में अगर प्रॉपर इंडेक्स हो रहा है तो आप श्योर हो जाएं कि आपका टॉरेट प्रॉपर ओके है। उसके बाद टॉरेट का आप अलाइनमेंट चेक कर लें। इसके बाद हम टॉरेट का अलाइनमेंट चेक करके दिखाएंगे। अब हम सबसे पहले जेड का अलाइनमेंट चेक करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको जहाँ पर डायलिंग करनी है उस एरिया को प्रॉपर क्लीन कर लें। ये देखिए हमने टॉरेट के जहाँ पे ग्राइंडिंग है उस एरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर हमने क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद डायल लगा के इसको एक्स का और जेड का अलाइनमेंट चेक करके दिखाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए हमारा ये डायल है और इसका लेस्ट काउंट हमारा 10 माइक्रोन का है। इस डायल की मदद से हम अभी सबसे पहले जेड का अलाइनमेंट चेक करके दिखाएंगे। हमने गाइड वे पे डायल स्टैंड को प्रॉपर होल्ड कर दिया है। होल्ड करने के बाद टॉरेट को डायल के पास हैंडल मोड की मदद से ले आएंगे। हैंडल मोड की मदद से लाने के बाद प्रॉपर उसमें प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद ट्रेवल करके हम जेड का अलाइनमेंट चेक करके दिखाएंगे। ये देखिए हमने जेड डायरेक्शन सेलेक्ट किया है और हैंडल मोड की मदद से हम टॉरेट को डायल के पास ले आएंगे। आप हैंडल या जॉग मोड दोनों यूज कर सकते हैं। हैंडल मोड की मदद से हम टॉरेट को डायल के पास ला रहे हैं और इस पर प्रॉपर 0.2 का प्रेशर सेट करेंगे। प्रेशर सेट करने के बाद जेड का अलाइनमेंट चेक करके दिखाएंगे। ये देखिए हमने डायल पे 0.2 का प्रेशर सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम जेड का अलाइनमेंट चेक करके दिखाएंगे कि जेड का अलाइनमेंट हमारा कितना आउट है। प्रॉपर डायल को जीरो कर रहे हैं। ये देखिए अभी हम जेड एक्सिस में ट्रेवल करके जेड का अलाइनमेंट चेक करके दिखाएंगे। ये जैसे हमने जेड एक्सिस में ट्रेवल किया तो डायल हमारा 90 माइक्रोन वेरिएशन हुआ है। ये देखिए हम इसको रिपीट करके भी दिखा रहे हैं, ये भी हमारा डायल जीरो है। जैसे हम इसको टॉरेट के थिकनेस में ट्रेवल कर रहे हैं 80 से 90 माइक्रोन का अलाइनमेंट हमारा जेड का आउट हो रहा है। ये देखिए हमारा अभी जेड का अलाइनमेंट टोटल
80 से 90 माइक्रोन आउट आ रहा है। ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे हम कंटिन्यू जेड का अलाइनमेंट दिखा रहे हैं जो कि 80 से 90 माइक्रोन आउट आ रहा है। ये देखिए हम कंटिन्यू दिखा भी रहे हैं। इसके बाद हम एक्स का अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं वो दिखाने जा रहे हैं। एक्स का अलाइनमेंट चेक करने के लिए जहाँ पे हम टर्निंग टूल लगाते हैं वहाँ पे डायल को सेट करें। डायल को हमने यहाँ पे 0.4-0.5 प्रेशर दिया है। प्रेशर देने के बाद जहाँ पे हम टूल लगाते हैं प्रॉपर क्लीन करके वहाँ पे टोटल लेंथ में ट्रेवल करके दिखाएंगे। ये देखिए हम एक्स ट्रेवल करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे लगभग 10 माइक्रोन का अलाइनमेंट आउट आ रहा है। ये देखिए हम कंटिन्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक्स का अलाइनमेंट हमारा केवल 10 माइक्रोन का आउट आ रहा है। आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे। ये देखिए हम कंटिन्यू एक्स का अलाइनमेंट चेक करके दिखा रहे हैं जहां हमारा एक्स का अलाइनमेंट 10 माइक्रोन आ रहा है। इस तरह हम एक्स का और जेड का अलाइनमेंट चेक करते हैं और जेड का अलाइनमेंट सेट करने के लिए जो हमारे टॉरेट के साइड में 10 का एलन बोल्ट दिख रहा है उनको हम प्रॉपर लूज करके सेट करते हैं। ये जो हम कंटिन्यू स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इन बोल्टों के माध्यम से हम जेड का अलाइनमेंट सेट करते हैं और टॉरेट का अलाइनमेंट सेट करने के लिए सारे टूलों को रिमूव करके टॉरेट के एक्स का अलाइनमेंट चेक करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।